मिश्रा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर जिस तरह इस मामले में फंसे हैं, रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं और ईडी के द्वारा पूछताछ में रोज नए नए सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस, जो कि बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं और साथ ही नोरा फतेही भी इसमें शामिल हो चुकी हैं, उनसे भी ईडी ने पूरी तरह से पूछताछ जारी कर उनसे भी कई सारे सवाल सामने रखी थी। अब खबर आई है कि उनकी पत्नी लीना पॉल से भी काफ़ी समय से पूछताछ जारी थी और पूछताछ में ये बात साफ हो गई है कि अब लीना पॉल भी उसमें पूरी तरह से सक्रिय थी, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो भी उनका साथ दे रही थी और सक्रिय थी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह फंस चुके सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस समय ईडी द्वारा लगातार दोनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ईडी ने साफ कर दिया है कि इस पूरे जुर्म में सुकेश की पत्नी लीना पॉल ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि ईडी जांच में सामने आया है कि लीना पॉल को सिर्फ इस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फायदा नहीं पहुंच रहा था, बल्कि वो खुद भी इस गैर कानूनी काम में शामिल थी और लगातार अपने पति की मदद कर रही थी। जांच एजेंसी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि लीना के ही इशारों पर पैसों को ले जाया गया था। ऐसे में ईडी को शक है कि इस वसूली रैकेट के बारे में लीना को काफी कुछ पता है, जो वो अभी बताने से बच रही हैं और वो पूछताछ में सामने बताना नहीं चाहती हैं। इस पूरे जुर्म में एक्ट्रेस नोरा फतेही का जो नाम सामने आया था, उसके पीछे भी लीना पॉल का ही हाथ माना जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले लीना ने ही नोरा को एक इवेंट में आने का न्योता दिया था। ऐसा कहा गया है कि उस कार्यक्रम में नोरा को सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से करोड़ों का तोहफा मिला था जांच के दौरान ईडी ने लीना पॉल की कंपनी का भी पूरा ब्यौरा निकाल लिया है। जानकारी मिली है कि लीना लंबे समय से नील आर्टिस्टी के नाम से कंपनी चला रही हैं। चेन्नई में उनका बिजनेस 4.79 करोड़ बताया जा रहा है, वहीं कोची में 1.21 करोड़ का रहा है। लेकिन ईडी को इस कंपनी के लेन देन पर भी शक है। ऐसे में इसकी भी विस्तृत जांच की जा रही है। इस सब के अलावा ईडी को लीना पॉल के 3 मोबाइल फोन भी मिल गए हैं। इस केस में उन मोबाइल फोन को भी अहम सबूत माना जा रहा है। फोन के अंदर की तमाम जानकारी को इकट्ठा कर लिया गया है और उस आधार पर भी लीना से सवाल जवाब हो रहे हैं। ये भी बताया गया है कि आरोपी लीना की वजह से ही सुकेश चंद्रशेखर का अरुण मुथु से संपर्क स्थापित हो पाया था और जरूरत पड़ने पर बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हो रहा था। अभी के लिए 23 अक्टूबर तक लीना पॉल ईडी की कस्टडी में ही रहने वाली है। विस्तृत से जानकारी देते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्री उसे कहते हैं जो काला धन होता है, अवैध तरीके से जो पैसे कमाए गए होते हैं उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यानी कि काला धन। जो भी अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को वैध तरीके से दिखाना, यानी कि जितने भी उसके सोर्स है उसको वैध तरीके से दिखाना और लोगों को ऐसा लगे कि वो जो भी पैसे उसे वैध तरीके से लगाए जा रहे हैं और वैध तरीके से कमाए जा रहे हैं, उन पैसों को अवैध तरीके से लाया गया हो उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल किया जाता है, उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग केस कहते हैं। और इसी में अभी सुकेश चंद्रशेखर शामिल है और इसी केस में उनका सुनवाई चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल बॉलीवुड के 2 अभिनेता भी शामिल है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही। इन दोनों का नाम भी उसमें शामिल अब तक नहीं बताया जा रहा है। हालांकि पूछताछ की गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसमें और कितने नाम शामिल होते हैं और इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।